नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोच जालौन के कैलिया पुलिस ने कल गौमांस से भरा एक लोडर पकड़ा था जिसमें गौमांस लदा था। इसी के साथ चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था जिनके पास से चाकू, छुरी, तमंचे, कारतूस आदि भी बरामद किए गए थे। चारों आरोपियों के खिलाफ गौवध निवारण अधिनियम के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी और उन्हें जेल भेज दिया गया। आज उसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक ज्ञापन सीओ कोच राहुल पांडे को सौंपा। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष साकेत शांडिल्य ने कहा कि कोच नगर के आसपास बेखौफ होकर असामाजिक तत्व गौकशी का कार्य कर रहे हैं। एक और जहां प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी लगातार गौ रक्षा और गौ संवर्धन के लिए कटिबद्ध है, वहीं ऐसे घृणित लोग प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर गौकशी का कार्य कर रहे हैं। कल दिनांक 19 मार्च 2021 को ग्राम चमेड़ के नजदीक जो पुलिस को भारी मात्रा में गौमांस मिला और मौके पर इस कार्य में संलिप्त आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। इस घटना को देखकर यह प्रतीत होता है कि उक्त कार्य के बीच एक संयोजित गिरोह कार्य कर रहा है। इन आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष जयदीप त्रिपाठी, प्रदीप राठौर, सह संयोजक मनीष यादव, सुरक्षा प्रमुख सोनू यादव, कृष पाठक, प्रिंस राठौर, अखिलेश अंशु, अरुण अभिषेक, मनीष जादौन, दीपक तिवारी, मनोज सोनी, अमरीश दीक्षित, विनीता पांडे, उमा वर्मा, मातृशक्ति, मुकेश अग्रवाल, शीलू कुठोलिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। चमेड़ ग्राम के पास एक खेत में गौ मांस काफी मात्रा में मिला था। हालांकि पुलिस ने मौके पर जाकर अपराधियों को भी पकड़ा है, लेकिन ये अति संवेदनशील मामला है। कोच में चोरी छुपे धोखे छुपे गौ हत्याएं बराबर निरंतर की जा रही हैं। समय समय पर हमने गौकशी घटनाएं की जा रही हैं। समय समय पर हमने प्रशासन को अवगत भी कराया है। प्रशासन की कल महती भूमिका रही, उन्होंने चार अपराधियों को मौके से पकड़ा। लेकिन जहां हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी इस कार्य के लिए गौ संवर्धन और गौ सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, वहीं पर ये गौकशी घटनाएं अति निंदनीय है। हम लोग इनकी निंदा करते हैं, यह घृणित कार्य है। और प्रशासन को आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जो चार अपराधी पकड़े गए इनके पीछे एक पूरा गिरोह है, उनको पकड़कर कठोरतम कार्रवाई की जाए। क्या मांग की है आपने? जी, हमने ये मांग की है कि इन लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए और फांसी की जाए। और फांसी की हम लोग मांग करते हैं कि इन लोगों को फांसी की सजा दी जाए।